प्रिंस राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटेक सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करने के बाद वीडियो एक्सपोर्टिंग करने के दौरान जो हमको प्रॉब्लम होती है उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे ठीक करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली होता क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि काइन मास्टर में वीडियो हम एडिटिंग कर लेते हैं और एडिटिंग करने के बाद से जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी ये होता है कि वीडियो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट होने के बाद 30% या 50% या 90% मान लो, ज़्यादातर मैंने देखा कि 90% अबव 90% का अप्रोक्स होने के बाद ही वीडियो एक्सपोर्टिंग होना रुक जाता है। अब वो किस कारण से रुक जाता है और उसके बाद से वीडियो रुकने के बाद से वो आगे जाता ही नहीं, चाहे उसको 1 घंटे 2 घंटे जितने भी घंटे छोड़ दो वो जाता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसी मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा जिसको करने से काइन मास्टर बिल्कुल भी फास्ट हो जाएगा और वीडियो एक्सपोर्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए हम चलना पड़ेगा मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, फाइनली आ गए हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से हम सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको सिंपली से पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना होगा। और गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली से काइन मास्टर ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद से मैं किसी वीडियो को ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो को ले लिया। और इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर वाला ऑप्शन पर जाते हैं और शेयर वाला ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्टिंग होने का ऑप्शन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो जैसे ही आता है हम अब एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ हमको कर लेनी चाहिए, जैसे कि एक्सपोर्ट हमारा फंसा नहीं। जैसे कि सिंपली मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है, एक्सपोर्ट होना जब चालू करते हो तो एक्सपोर्ट तो होना तो स्टार्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन आगे चल के वो 30% पे 50% पे 90% जाके बिल्कुल से रुक जाता। तो आपको ना रुक, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना, मैं बताता हूँ, सब आपका फ़ोन को फ्लाइट मोड पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि अगर आप किसी वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसी दौरान हमारे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो फिर वो क्या होता है कि एक्सपोर्टिंग जैसे ही कॉल आता है एक्सपोर्टिंग होना वहाँ पे रुक जाता है, फिर वो आगे एक्सपोर्ट होता ही नहीं। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एक्सपोर्ट करने से पहले, वीडियो को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देना है। और दूसरा सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको एक्सपोर्ट पे यहाँ पे यहाँ तक आ जाना है और यहाँ तक आने के बाद क्या करना है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा हमको पहले बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से हमको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देख रहा है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि सेटिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमको आ जाना है यहाँ पे सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद थोड़ा सा हम वीडियो को स्क्रॉल कर लेते हैं और स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। तो डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे एडिट एंड सेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पर 3 डॉट पे चले जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद क्या करना है, रन एनालिसिस नाउ कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली से रन एनालिसिस नाउ के लिए इसको परमिशन कर देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये स्टार्ट हो गया। दोस्तों, ये चीज़ अगर आप नहीं करो तो लगभग चांस रहता है कि आपको वीडियो का एक्सपोर्टिंग ना हो, वीडियो एक्सपोर्टिंग होने में आपको दिक्कत होती है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो रन एनालिसिस का काम हो चुका। तो हमको अब यहाँ से सिंपली से बैक जाना है और बैक जाने के बाद से सेम वीडियो पर हमको आ जाना है। और यहाँ पर शेयर करने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही वो मेन चीज़ है, यही वो मेन गलती था जो कि लोग नहीं करते हैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने से पहले और जिनके कारण से उनका वीडियो एक्सपोर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। अब तीसरा गलती मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि वीडियो को एक्सपोर्टिंग होने में दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वीडियो को मिनिमाइज़ कर देना और मिनिमाइज़ करने के बाद मिनिमाइजेशन में हमको चला जाना है। और यहाँ से जाने के बाद बैकग्राउंड्स में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हों उन सबको क्या करना है, क्लियर करना है, केवल काइन मास्टर को रहना है। फिर से काइन मास्टर को ओपन कर लेना, काइन मास्टर वाले पेज पे चला जाना। अब आप एक्सपोर्ट करेगा वीडियो यहाँ पर आने के बाद तो क्या होगा,
जो फ़ोन पर होता है लोड बिल्कुल भी कम पड़ता है, और क्या करता है वीडियो को एक्सपोर्टिंग करने में इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, काफ़ी तेज़ी से आपका वीडियो एक्सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी कुछ चीज़ें थी जिनको करने से आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग होना अब नहीं रुकेगा, बिल्कुल धड़ल्ले से होगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हो सके तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।